रोहिणी इलाके में शुक्रवार की रात धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिसकर्मी ने घायल होने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत नॉर्थ रोहिणी थाना में सरकारी कामकाज में बाधा डालने, पुलिस पर हमला व चोट पहुंचाने आदि की धाराओं से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार नरेंद्र के खिलाफ गत वर्ष कमला मार्केट में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में वह फरार चल रहा था, पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। ऐसे में पुलिस की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी क्रम में पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी रोहिणी सेक्टर 8 में स्थित एक अपार्टमेंट में छिपा हुआ है। शुक्रवार रात कमला मार्केट थाना में तैनात SI सुमित और हेड कांस्टेबल संदीप चावला आदि ने उसके छिपने के ठिकाने पर छापेमारी की। वहां आरोपी नरेंद्र है, उसके 2 साथी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।